वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे लास्ट पार्ट में इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना, और लास्ट पार्ट में फर्स्ट मेथड से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया था। अब बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड की, ठीक है ना। चॉइस है यहाँ पर, कोई भी अप्लाई करो। जैसे प्लेन पर बस ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए कि किसी प्लेन पर पॉइंट गिवन है जिसका नाम ए माना था हमने, इस तरीके से। सही बात है, प्लेन पर कहीं पर भी मान सकते हो ये पॉइंट, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये जरूरी नहीं यहां पर मानो, प्लेन पर है कहीं पर भी मानो, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ टोटली ये वर्ड काम का इस पूरे कंसेप्ट में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है। और वो ओरिजिन से यहां पर कोई बात नहीं, इस तरीके से है, सही बात है। और पी पॉइंट है इक्वेशन का, तो ये मतलब है ना पी पॉइंट निकालना, एक तरीके से पी पॉइंट कहीं पर भी मान लो, सही बात है। तो इस तरीके से अब एक काम की बात है यहां पर, पता है क्या है, ठीक है ना। नॉर्मली हम जैसे जब ज्योमेट्री ड्रा करते हैं, जब ये पी पॉइंट इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, सही बात है। तो अब एक बात बताऊ, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का केस पॉसिबल है या फिर नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब इसके लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ट्रायंगल का मतलब क्या था, ट्रायंगल का मतलब जिसके अंदर ट्राई का मतलब तीन, तीन एंगल हो, जैसे एक दो और तीन, ठीक है, ये तो ट्रायंगल की कंडीशन। लेकिन राइट एंगल्ड एक कंडीशन कही थी कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, देख लो है परपेंडिकुलर, सही बात है। तो सीधी सी बात है, एक एंगल यही कंडीशन होनी चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। लेकिन लेकिन क्या ये चीज यहां पर यूज हो सकती है, थोड़ा सोच के बताओ। जो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट था, जैसे जब हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन को समझा था, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का केस डिस्कस किया था, जब एक न्यूमेरिकल को चार तरीकों से सोल्व किया था, ठीक है, तब आई थी ये बात, ठीक है। तो क्या ये कंसेप्ट यहां पर यूज हो सकता, थोड़ा सोच के देखो। इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, सही बात है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे इस तरीके से रखो दिमाग में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी के बराबर, नॉर्मली ये इक्वेशन रखो दिमाग में, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस प्लेन इस इक्वेशन में क्या क्या नजर आ रही है चीजें, एक्स वाई जेड, सही बात है। अब एक बात बताओ, जो एक्स वाई जेड है वो तो कोई पी पॉइंट है, मतलब ये चीज तो आएगी, एबीसी इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो यूज हो रही है, सही बात है ना। इस तरीके से केस था, यहाँ पर ओरिजन और परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशो यूज हो रही है, तो सीधी सी बात है ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्यों नहीं होगा, अभी इसकी बात कर लेते हैं। पता है क्यों नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, तभी दिमाग में यह बात आनी चाहिए, या तो हाइपोटेनियस, सही बात है, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले तो कि पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का, सही बात है। तो एक बात बताओ, जब यहां पर जब डिस्कस की थी पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री को, तो एक बात कही थी, जब हमें ये साइडों से मतलब हो, जब हमें इन साइडों से मतलब हो, सही बात है, मतलब मान लो कि अपनी तरफ से, कि मतलब कोई सीधी सी बात है कि तीसरी साइड निकाल लियो, तब ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, इक्वेशन लिखनी है। अब यहां पर कहीं पर भी डिस्टेंसों की बात हो रही है, डिस्टेंसों की बात हो रही है, और ये भी डिस्टेंस इस ट्रायंगल के डिस्टेंसों की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस भी ट्रायंगल के उनसे मतलब है, तो उसका तो कोई यूज नहीं, थोड़ा सोचना है, सही बात है। तो सीधी सी बात है, दिमाग में पता है, सीधी सी बात है, पता होना चाहिए हर चीज का, कि राइट एंगल ट्रायंगल आए तभी दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर किसके बराबर, बेस का होल स्क्वायर, सही बात है, प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, तब ये बात अप्लाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब, और ट्रिग्नोमेट्री कब अप्लाई होती है, जब ये बची हुई साइड निकालनी हो, सो सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर इन चीजों का कोई भी यूज है नहीं, सीधी सी बात है, इस वजह से ये चीजें यूज नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, मान लो कभी केस बन जाए, मान लो कभी केस हो और वो इस तरीके का हो, सही बात है, कि मतलब मान लो कि दिमाग में, कि मान लो कि हमें तो ये साइड निकालनी है, सीधी सी बात हो सकता है, तब ये बात अप्लाई कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, ठीक है। और याद हो, जब राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट की बात की थी हमने, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर के सामने वाली, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, सही बात है, ठीक है, ये है हाइपोटेनियस। जैसे ओपी का होल स्क्वायर, ओपी को या फिर पीओ को, डिस्टेंस है बात बराबर, ठीक है, किसके बराबर, बेस, बेस क्या होगा, अब ये पता होना चाहिए, जहां पर 90 डिग्री एंगल उसके सामने वाली
हाइपोटेनस, और जिस एंगल मतलब किसी एंगल के सामने वाली साइड उसका नाम परपेंडिकुलर, जैसे एक तो परपेंडिकुलर के सामने ठीक है उसका नाम तो हाइपोटेनस, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर वो तो है 90 डिग्री, मतलब एंगल की बात हो रही है ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर ये साइड है कि एंगल के जिस एंगल के और जिस एंगल का ये मतलब थीटा के सामने वाली और इस थीटा का ये मतलब इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बचे हुए दो एंगल, ट्रायंगल का ये मतलब है तीन एंगल, तो इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ के जिस एंगल के हिसाब से बात कर रही हो, जैसे मान लिया ये थीटा है ठीक है, तब उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरीके से, और अगर ये थीटा माना तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, थोड़ा सोचना है ठीक है। तो यहां पर चलो मतलब ये थीटा क्यों माना, नॉर्मली हम ओरिजिन पर खड़े होते हैं मतलब ओरिजिन से चलते हैं इस तरीके से भी कह सकते हो, मतलब काउंटिंग जीरो से शुरू होती है ये भी कह सकते हो ठीक है, तो चलो इस तरीके से केस मान लो ठीक है। तो अब जैसे यहां पर ठीक है ना इस एंगल के सामने वाली मतलब ये परपेंडिकुलर का काम करेगी ठीक है, और बेस क्या होगा, बेस जो बची हुई साइड है, बची हुई साइड क्या बची यहां पर ओ से ए, इस तरीके से सही बात है ठीक है ना इस तरीके से। और ये चीज अप्लाई कब करते हो, अब एक बात तो यहां पर राइट हैंड साइड में बेस का होल स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बीच में प्लस, तो पहले इस चीज को लिखो या फिर इस चीज को, रिजल्ट बराबर आना है, दो चीजों का सम है सही, और यहां पर भी उल्टा करके लिखा है सही बात है, लेकिन ये चीज यूज होती है जब एंगल की बात आ जाए इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ के ठीक है। तो अब एक बात तो यहां पर ओ से पी नहीं निकाल सकते सही बात है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू है नहीं, दो पॉइंटों बीच का डिस्टेंस है वो निकाल नहीं सकते सही बात है, ए से पी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पी पॉइंट फिर से नहीं है, ओ से ए निकाल सकते हो क्योंकि दो पॉइंट है इस वजह से ओ से ए का डिस्टेंस निकाल सकते हो ठीक है। तो सीधी सी बात है ये पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का किस तरीके से रिजल्ट यूज किया था कि कोई एक सिर्फ और सिर्फ ये केस दिमाग में सोचना कि सिर्फ एक साइड हो बची ट्रायंगल में, जैसे एक साइड गिवन है ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक साइड गिवन है, एक फाइंड आउट करनी है इतनी बात सही, लेकिन जो थर्ड साइड है उस पर कंसेप्ट अप्लाई करना है बची हुई साइड पर ठीक है, मतलब वो गिवन नहीं होगी लेकिन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज काम की है। जैसे यहां पर एक साइड तो गिवन है, दो पॉइंटों बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ओ से किसके बराबर हो जाएगा, क्या कहा था, दो पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वेयर रूट के अंदर दो पॉइंटों का डिफरेंस अपनी अपनी एक्सिस पर, चलो यहां पर 4-0 करो या फिर 0-, इस तरीके से 4 करो का होल स्क्वायर, फिर -2-0 -2 का होल स्क्वायर +4, कैलकुलेशन है -5-0 तो -5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से सही बात है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16+4 ठीक है ना, तो यहां पर 45 का स्क्वेयर रूट, इस तरीके से मतलब एक साइड गिवन है एक तरीके से ठीक है, तो लेकिन बची हुई दो साइड तो है नहीं, लेकिन जब ये चीज अप्लाई कब करोगे, अब सीधी सी बात है इस रिजल्ट को अप्लाई कब करोगे कि मतलब दो साइड गिवन एक निकाल सकते हो, एक गिवन है एक होनी चाहिए लेकिन वो निकाल सकते हो, किस तरीके से एक कंसेप्ट सीखा था और वो था ये कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स सही बात है। अब एक बात बताओ यहां पर ये परपेंडिकुलर का फायदा नहीं उठा सकते, ए से पी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है ये ए से पी, ये साइड किसके परपेंडिकुलर है देख लो ओ से, इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते, थोड़ा सोचना है ठीक है। और इसके बाद जब दो साइड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, खास बात क्या होती है, खास बात बताओ नीचे कि दो साइड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई जीरो होगी, थोड़ा सोचना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक मतलब कंसेप्ट की बात करो या फिर रिजल्ट याद हो तो, या फिर चेक भी कर सकते हो इस कंसेप्ट से, कुछ इस तरीके से रिजल्ट था, कोस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 B1 C1 क्या थे, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो, A2 B2 C2 दूसरी के, और डिवाइड में भी दो फैक्टर थे, और दो फैक्टर किस तरीके से थे, एक तो था A1 का स्क्वायर इस तरीके से प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, मतलब पहला मैग्नीट्यूड फिर दूसरी लाइन का मैग्नीट्यूड, मतलब A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर तीनों को ऐड करो पूरे का स्क्वायर रूट, इस तरीके से यहां पर दूसरा फैक्टर था सही बात है। जब परपेंडिकुलर हो मतलब एंगल 90 डिग्री सही बात है और कोस 90 जीरो होता है, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट ये चीज अप्लाई कर सकते हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 और जीरो के बराबर, थोड़ा सोचना ये चीज आई कहां से, पता होना चाहिए ये बातें ठीक है। तो अब एक बात बताओ यहां पर ये चीज यूज नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चाहिए, दो लाइनों के
बस डायरेक्शन रेशो चाहिए। डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई तो तब भी होगी ना जब दो लाइन में डायरेक्शन रेशो हो। जैसे लास्ट पार्ट में इसके डायरेक्शन रेशो निकाले थे, डायरेक्शन रेशो फिर से वही डेफिनेशन, दो पॉइंटों का डिफरेंस। सही बात है, तो यहां पर डायरेक्शन रेशो जैसे वही थे ना, जो ये पॉइंट था 4-2-5, मतलब इसमें से ओरिजिन को माइनस कर रहे हो, तब है ये डायरेक्शन रेशो पहली के। दूसरी के दो पॉइंट है, दो पॉइंट है तो दूसरी डायरेक्शन रेशो। अब एक्स वालों को अपनी एक्सिस पर डिफरेंस करो इनका, तो 4-x लिखो या फिर वो चॉइस है। लेकिन काम की बात क्या कही थी, सेम पैटर्न, या तो ए से पी जाना या फिर पी से ए। तो इस बात का ये मतलब है कि या तो अगर इन तीनों में से माइनस कर रहे हो तो तीनों में से ही करना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे 4 में से x को माइनस करके चॉइस है, यहां पर -2 में से -y कर लिया, फिर -5 में से -z, इस तरीके से डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो ये चीज कब अप्लाई कर सकते हो, कब की बात है, जब न्यूमेरिकल थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाए कि इक्वेशन के साथ साथ ये सारे डिस्टेंस निकालो। सीधी सी बात है, इक्वेशन के साथ साथ प्लेन की, ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, सारी साइड निकाल के दिखाओ, सीधी सी बात है, तब की बात है ये, तब मतलब ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन से मतलब था, लेकिन जब जैसे लास्ट पार्ट में बात की थी सेकेंड मेथड की, हमें तो मतलब सेकेंड मेथड से, तो ये चीज यूज होगी, ये दो साइड परपेंडिकुलर है, इस चीज का फायदा उठा लो, ठीक है। इस चीज का किस तरीके से यूज होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।